घर के किचन में मृत मिला प्रताप, पत्नी बोली करंट से हुई मौत, पिता ने जताई हत्या की आशंका। शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बड़े गांव में बीती रात एक युवक की अपने ही घर के किचन में संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। इस मामले में मृतक की पत्नी ने जहां करंट की चपेट में आने से पति की मौत होना बताया, वहीं मृतक के पिता ने बेटे के दोस्त पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से इस मामले में निष्पक्ष जाँच की मांग की। घटना के सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बड़ा गाँव के रहने वाले प्रताप पुत्र श्रीलाल आदिवासी उम्र 30 वर्षीय के बीती रात अपने घर के किचन में करंट के चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक के पिता श्रीलाल ने गांव के ही महेश पुत्र शंकर आदिवासी पर शराब पिलाकर पुत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाँच के बाद सबूतों के आधार पर मामले में वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। नाम है आपका? श्रीलाल। अच्छा, जो करंट से जो खत्म हो गए हैं वो कौन है आपके? मेरा बच्चा। अच्छा, कैसे क्या खत्म हो गया? इससे किचन में गया, दारी पहले तो उन्होंने दारी पी है कि महेश है उनके साथ में, और बहुत दोनों जन ने दारी पी और उसमें से फिर निकल के रात के क्या ना 11-1 बजे करीब वो आए और फिर वो किचन में उसे मैं नाम तक काम मृत्यु पाला करंट लगा लगा ये करंट लगा लगा है मैंने। हाँ, मृत्यु गया। और जब उससे पूछी गई मैंने कि भैया ये महेश से कैसे खत्म कैसे खत्म दारी पी, तो मुझसे उल्टा बोला कि साहब मैं अभी तो ये नहीं मारा, फिर मैं तुमको भी जला दूँ। अच्छा, आपको किस पे शक है? मुझे महेश पे शक। अच्छा, उसी ने मारा करंट लगा के? मारा उसकी शक है मुझे तो। अच्छा, क्योंकि उसने दारी पी उनके साथ साथ, और फिर हमने जब पूछी तो हमसे भी जिल्लेबाज बोल पाने। पुलिस को सूचना दे दी आपने? पुलिस के सामने ही बात हुई थी। अच्छा। हाँ, पुलिस के दो पुलिस वाले थे, ये तो ये अंगे जाएंगे और एक और था, उनके सामने ही इस बात को बोली कि मैं तुमको भी जाँच मार दूंगा कि मैं जला दूँगा मार कर। अच्छा, तो मैंने उससे यही बोली कि भैया चल मैं और रहा हूँ उस वक्त पिताजी, तो मुझे ही मार डालूंगा।